एपिसोड 17, बॉस के साथ लंच। वो पेपर्स उसके लिए कुछ खास नहीं थे, इसलिए विधि ने अपना सर हिलाकर अनिरुद्ध को उसे ले जाने का इशारा किया। अनिरुद्ध मोहित से इजाजत लेकर हाथों में गाने के पेपर्स लेकर तुरंत वहां से चला गया। विधि ने उसे जाते देखा और सोचा, इंडस्ट्री में अनिरुद्ध के वर्कोहोलिक होने के बारे में लोग बिल्कुल सही कहते हैं। मोहित अब भी उन फूलों के बीच खड़ा था। विधि ने अपनी सेकंड फ्लोर की बालकनी से नीचे देखा। मोहित ने विधि की आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए उससे पूछा, क्या तुम्हें फूलों का बुके अच्छा लगा? विधि ने बुके के बारे में सोचा और कहा, हाँ वो बहुत ही सुंदर है, थैंक यू। ये सुनकर मोहित के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। कुछ देर की खामोशी के बाद विधि बालकनी से जाने के लिए मुड़ी। ठीक उसी वक्त, विदुषी रुको, मोहित ने कहा। विधि पलटी और कहा, जी बॉस। मोहित उन फूलों के पास लगे पेड़ का सहारा लेकर खड़ा हो गया। सूरज की रोशनी मोहित के चेहरे पर पड़ रही थी और उसके चेहरे की मुस्कान उसे और भी अट्रैक्टिव बना रही थी। उसने विधि से कहा, अनिरुद्ध और मैं आज साथ में लंच करने वाले हैं। हम यहां से गुजर ही रहे थे तो तुम्हें गाते सुना। हमने सोचा कि तुम्हारी परफॉर्मेंस को थोड़ा अप्रिशिएट करें, पर किसे पता था कि तुम्हारी वजह से अनिरुद्ध यहां से भाग जाएगा। मोहित की बात सुनकर विधि हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या कहे। वो इसमें क्या कर सकती थी जब अनिरुद्ध खुद उन गानों के पेपर्स को देखना चाहता था। वो तो उस कंपनी में बस एक ट्रेनी थी, वो एक प्रोड्यूसर से कुछ कह सकती थी। मोहित ने आगे विधि से कहा, तो क्या तुम मेरे साथ लंच करोगी? क्या? विधि मोहित के इस इनविटेशन से हैरान थी। विदुषी, अकेले खाना खाना बहुत बोरिंग होता है, मोहित ने हंसते हुए विधि को मनाने की कोशिश करते हुए कहा। मैं वादा करता हूं कि वहां बहुत ही टेस्टी खाना होगा, सच, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये मोहित था जिसे अकेले खाना खाना बोरिंग लगता था, पर उससे ठीक उल्टा विधि को अकेले रहना पसंद था। उसे अब भी कुछ गानों की प्रैक्टिस करनी थी और बॉस को एंटरटेन करने के लिए वक्त किसके पास था। इसलिए विधि ने कहा, सॉरी बॉस, मेरी चोट अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और मुझे आराम करना है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ लंच नहीं कर सकती, आप किसी और से पूछ लीजिए। विधि की बात सुनकर मोहित हैरान था। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई उसे भी मना कर सकता था। मोहित के चेहरे पर हैरानी देखकर विधि ने सोचा कि अपने फैमिली बैकग्राउंड और विवि डांस का बॉस होने की वजह से पहले किसी ने भी उसे मना नहीं किया होगा। मोहित को इस बात की आदत थी कि लोग बिना किसी शर्त के उसकी बात मानते थे। विधि को पता था कि सभी बड़े लोग कैसे एक जैसे होते हैं। कुछ ही पलों में मोहित के चेहरे की मुस्कान वापस आ गई और उसने कहा, ये इनविटेशन उस इत्तफाक की मुलाकात के सामने कुछ भी नहीं है, तुम मेरी मेहमान हो, क्या तुम मुझे विला के मालिक होने के नाते अपनी खातिरदारी करने का मौका भी नहीं दोगी? विधि ने मोहित की बातों में दबाव महसूस किया और उसे घूर कर देखने लगी। कुछ दिनों बाद विधि विला से जाने वाली थी और अगर वो इस बार भी मना करती तो रूड लगता, इसलिए उसने उसे अपना सर हिलाकर हां कर दी। वो लंच के लिए जाने ही वाली थी कि अचानक वो मुड़ी और बालकनी की ओर गई। उसने मोहित की ओर देखा। वो कुछ कहती उससे पहले ही मोहित ने उसकी चिंता को भांपते हुए कहा, चिंता मत करो, टबी यहां नहीं है। विधि ने एक गहरी सांस ली। ये अच्छी बात थी कि टबी वहां नहीं था, वरना चाहे उसे अपने बॉस को नाराज ही क्यों ना करना पड़े, पर वो लंच पर बिल्कुल नहीं जाती। आप 2 मिनट रुकिए, मैं चेंज करके आती हूं, विधि ने कहा। पहाड़ों में मौसम बहुत ही ठंडा था। विधि ने खाकी रंग की ड्रेस पहनी और उस पर एक पतला कार्डिगन पहन लिया। उसने एक बार खुद को आईने में देखा और नीचे चली गई। नीचे मोहित बिल्कुल भी बेचैन नहीं लग रहा था। उसने अपनी गहरी हरी आंखों से विधि को देखा और कहा, इस लॉन्ग ड्रेस में तुम अच्छी लग रही हो, ये तुम्हें सूट करता है। थैंक यू, विधि ने जवाब दिया। जब विधि ने मोहित को करीब से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो और भी ज्यादा हैंडसम है। उसकी छोटी हरी आंखें कोने से उठी हुई थी और उसके पतले होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। मोहित के गले पर एक चेन में आर्मी डॉग का टैग लगा था, पर यह साफ नहीं था कि वो आखिर किस चीज से था, पर उसके सांवले रंग के साथ वो अच्छा लगता था।
एक समय में ये आर्मी डॉग का टैग बहुत पॉपुलर था, पर मोहित ही उस फैशन को पहनकर परफेक्ट लगता था। मोहित ने विधि को डाइनिंग हॉल की ओर ले जाते हुए उससे पूछा, क्या तुम्हें टबी से डर लगता है? विधि ने मोहित से कुछ नहीं कहा। डर के अलावा विधि इस तरह के जानवरों से नफरत करती थी। आरव ने उसके साथ जो किया था उसके बाद विधि मास्टिफ जैसे जानवरों से दूर रहती थी, और टबी ने तो उसे चोट पहुंचाई थी, पर मोहित को ये नहीं बता सकती थी, इसलिए उसने कहा, एक जंगली जानवर हमेशा जंगली जानवर ही होता है। विधि कहने वाली तो राक्षस थी, पर वो अपने बॉस से झगड़ा नहीं चाहती थी। मोहित ने विधि की बातों को नजरअंदाज किया और कहा, पर वो कई मायनों में इंसानों से भी वफादार होते हैं। ये बात तो साफ थी कि टबी मोहित के साथ अच्छा था। भले ही किसी ने विधि को उस दिन की सफाई नहीं दी हो, पर वो समझ चुकी थी कि एक आदमी मोहित को मारने आया था, पर टबी ने उसे मार डाला। टबी बहुत बेचैनी से मोहित के आसपास घूम रहा था, उसे उसकी चिंता थी, वो उसकी चोट को लेकर परेशान था। जैसे कि इस बारे में दोनों एक जैसा नहीं सोचते थे, विधि ने बात बदलने का फैसला लिया और मोहित से पूछा, बॉस लंच में क्या है? मोहित ने विधि की ओर एक नजर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें वहां पहुंचकर पता चल जाएगा। विधि ने लंच के लिए कुछ ज्यादा उम्मीद तो नहीं की थी, पर मोहित की बातें सुनकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। वो उसके पीछे एक पहाड़ी रास्ते पर चलने लगी। उस रास्ते पर बहुत तेज हवा चल रही थी। कुछ दूर चलने के बाद विधि ने देखा कि वहां कुछ पेड़ पौधे लगे थे और उसके पास था एक बहुत ही खूबसूरत पुल। उस पुल के पास एक बोट खड़ी थी जिस पर कैप्टन के अलावा सिर्फ दो लोग बैठ सकते थे। मोहित पहले बोट पर चला गया और उसने विधि की ओर अपना हाथ बढ़ाया। विधि ने उसकी मदद ना लेकर खुद ही बोट पर जाते हुए उससे बोली, मैं खुद से मैनेज कर सकती हूँ। मोहित ने उसे हैरानी से देखा और अपने हाथ नीचे कर लिए, जैसे कि उसने उसे अपना हाथ कभी दिया ही ना हो। विधि मोहित से इम्प्रेस थी। अच्छी तरह से खुद को बैलेंस कर विधि बोट पर चली गई। बोट पर जाते ही उसने सोचा कि उसके जैसी एक छोटी सी ट्रेनी को उसके बॉस का इस तरह इतनी इज्जत देना कोई आम बात नहीं। बोट पर उसने अपने ड्रेस को हल्का सा उठाया और बैठ गई। जैसे ही उसने ऊपर देखने के लिए अपना सर उठाया तो उसकी नजरें मोहित से जा मिली। वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। जयंत को लोगों की अच्छी पहचान है, मोहित ने कहा। विधि अचानक से बात बदलने से हैरान थी। तुम बहुत लंबे समय से डांस कर रही हो, है ना? ऐसा नहीं लगता कि तुम सिर्फ एक दो साल से ट्रेनी हो, मोहित ने पूछा। बिना कुछ कहे विधि ने खुद ही इस बात की शुरुआत की थी। विधि ने सोचा नहीं था कि मोहित इतना चालाक होगा। इसने तो कैसी है जिंदगी जैसे फेमस गाने को भी नहीं पहचाना था, तो फिर इसे कैसे पता चला कि वो बहुत लंबे समय से डांस कर रही है? विधि ने बहुत सोच समझकर मोहित को जवाब दिया, मैं बचपन से डांस कर रही हूं। मेरे परिवार वाले मुझे बच्चों के डांस क्लास में भेजा करते थे, इसलिए मैं बचपन से डांस करती हूं। ये सुनकर मोहित मुस्कुराया पर उसने कुछ नहीं कहा। मोहित के सही अंदाजे को देखकर विधि को बेचैनी होने लगी। उसने घबराते हुए उससे पूछा, बॉस आप डांस के डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट लगते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं एक्सपर्ट हूं, मोहित ने बेपरवाह होकर कहा। कुछ दिन पहले मैंने दूर से अनिरुद्ध को तुम बच्चों को टॉर्चर करते देखा था। वैसे तुम्हारी काबिलियत दूसरे ट्रेनी से अलग है।